देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एक तरफ अपनी गद्दी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आम जनता देश की खस्ताहाली की मार झेल रही है। पाकिस्तान के कंगाल होने की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन अब हालत ये है कि वो आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और उसका कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उसके दिवालिया होने में अब देर नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है कर्ज के बोझ से। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और बिजली, पानी और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। पाकिस्तान में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाला आटा भी 70 रुपए किलो बिक रहा है। लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में गेहूं के 1 किलोग्राम आटे की कीमत में 6 रुपए का उछाल आया है। लोगों को अब 1 किलो आटे के लिए 70 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इमरान सरकार के कार्यकाल के दौरान आटे की कीमत में अब तक 20 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। गेहूं की कीमत में उछाल से आटे के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। काबू से बाहर होती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इमरान सरकार ने वित्त मंत्रालय को तत्काल उपाय करने के आदेश दिए हैं। सिर से पांव तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भी काफी टूट गया है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 10 महीने में पाकिस्तानी रुपए में 30% की गिरावट आई है। अब स्थिति यह है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई दर बढ़ने के कारण जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ दूध, गेहूं, चावल, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में गरीबी रेखा में रहने वालों की संख्या में 40 लाख का और इजाफा होने वाला है। रोजगार की दर बेहद धीमी हो गई है। देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। जानकारों का मानना है कि महंगाई दहाई अंक में पहुंचने और आर्थिक विकास की गति 3% से नीचे रहने से देश मंदी के भयंकर जाल में फंसने वाला है। पाकिस्तान महंगाई की आग में जल रहा है, लेकिन इमरान खान मस्त हैं।